is father of ecology. ओके ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे डेफिनेशन एनवायरनमेंट की. हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एक वर्ड से निकला है जिसको कहते हैं एनवायरन. एनवायरन का मतलब अराउंड होता है. इसका मतलब अराउंड होता है. ठीक है. एनवायरनमेंट का मतलब अराउंड होता है. यानी एनवायरनमेंट का मतलब होता है मीनिंग मीन्स द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. एनवायरनमेंट का मतलब है इट मीन्स द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये चीज समझना जरूरी है. इट मीन्स सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सराउंडिंग में क्या क्या आता है? इस सराउंडिंग में एक तो इस सराउंडिंग में एक्सटर्नल कंडीशंस आती हैं. एक्सटर्नल कंडीशंस आती हैं. ठीक है. Yes. और इस सराउंडिंग में इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल कंडीशंस एंड अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ठीक है. और वो चीजें जो अफेक्ट करती हैं, अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इन इट इज नेचुरल हैबिटेट. इन इट इज नेचुरल हैबिटेट हैबिटेट. ठीक है. ना अब फिर उसके बाद अब हमें ये समझना है कि ये हैबिटेट क्या होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हैबिटेट. कि जो सराउंडिंग है हमारे इर्द गिर्द वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इफेक्ट करता है या उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है. सो हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? सब हैबिटेट का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लिविंग प्लेस भी कह सकते हैं. स्पेसिफिक प्लेस या लिविंग प्लेस और लोकेलिटी ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म ठीक है. इतना समझ में आ गया. तो इसको कहते हैं हैबिटेट. यानी ऑर्गेनिज्म ने या पॉपुलेशन ने कौन सी लोकेलिटी ऑक्यूपाई की है या कम्युनिटी ने कौन सी लोकेलिटी ऑक्यूपाई की है, इसको कहते हैं हैबिटेट. ठीक है. अब इस हैबिटेट में क्या होता है? इस हैबिटेट में कंडीशंस होती है, एबायोटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं. इस हैबिटेट में दिस हैबिटेट हैज पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस. इस हैबिटेट में दिस हैबिटेट हैज ए पर्टिकुलर, उस लोकेलिटी में क्या होगा, ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फैक्टर्स ओके. अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैबिटेट क्या होता है. अभी तक हमने ये समझा कि हैबिटेट एक स्पेसिफिक प्लेस है, लिविंग प्लेस है, लोकेलिटी है ऑर्गेनिज्म की. तो थोड़ा सा इसको और अगर समझने की कोशिश करेंगे
तो हम कहेंगे इट इज सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस विच डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पॉपुलेशन और कम्युनिटी इन पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो हम हैबिटेट को हम कहते हैं कि इट इज सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस, वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर या कंडीशन जो डिटरमाइन करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल या पॉपुलेशन या कम्युनिटी इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी, ताकि वो एग्जिस्ट हो जाए, उस वो वहां पे रह सके आराम से, उसके लिए प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप कम होती है, वो अपनी लोकेलिटी में जिस हैबिटेट में रहता है वो कैमोफ्लेज भी कर सकता है उसके साथ अपने उस हैबिटेट में, और उसको मतलब उसको हार्श नहीं होता है, जहाँ पे वो रहता है वो हार्श नहीं होता है वो चीज उसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतना समझ में आ गया। तो जो ये टर्म हैबिटेट है इट इज मोर स्पेसिफिक देन एनवायरमेंट बिकॉज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंट के साथ ये ज्यादा रिलेट है कि इसमें कौन सी फैक्टर्स है। हैबिटेट हम लार्ज एरिया को भी कह सकते हैं, एक लार्ज एरिया भी हैबिटेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट पॉन्ड भी हो सकता है, लेक्स भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं। हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी पॉपुलेशन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, एस्चुरी भी हो सकती है। इसके साथ साथ हैबिटेट क्या हो सकता है, हैबिटेट कैन बी ओशन, हैबिटेट कैन बी फॉरेस्ट, हैबिटेट कैन बी डेजर्ट, हैबिटेट कैन बी ग्रासलैंड और वुडलैंड भी हैबिटेट हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया अब। बट हाँ, ये सारी चीजें एक कम्युनिटी के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए हैबिटेट हो सकती है, मगर हैबिटेट स्मॉल एरिया भी हो सकता है, इट मे बी स्मॉल एरिया ऑल्सो, स्मॉल एरिया किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी स्पेसिफिक लिविंग प्लेस, ठीक है, स्मॉल एरिया भी हो सकता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम बार्क ऑफ ट्री भी कह सकते हैं हैबिटेट इंसेक्ट्स के लिए, है ना, बार्क ऑफ ट्री वो भी हैबिटेट है इंसेक्ट्स के लिए, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन्स भी हैबिटेट है हमारे माइक्रोबायोटा के लिए जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, ठीक है, या बरोज भी हो सकते हैं हैबिटेट, ठीक है, बरोज होते हैं कहीं पे तो वो भी हैबिटेट हो सकता है। तो ये स्मॉल एरिया भी हो सकता है और लार्ज एरिया भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। ओके, हैबिटेट समझ में आ गया। इसके बहुत अच्छे बहुत से क्वेश्चंस हैबिटेट पे आते हैं और कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि अच्छा इसका मतलब क्या है, ठीक है। और तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह सकता है with it is specific combination of environmental factors, यानि कि एक organism एक specific habitat में रहेगा और उसकी combination के environmental factors भी रहेंगे, ठीक है। अब देखो for example annelid एक है, annelid, ठीक है, it lives in running well aerated fresh water
वेल एरेटेड फ्रेश वाटर में रह सकती है, ठीक है। और लार्वा, इसका लार्वा ऑफ इंसेक्ट एक और एग्जांपल है, लार्वा ऑफ इंसेक्ट साइरोनोमियस, वो कहा रह सकता है, इट अकर्स इन वाटर डिवोर्ड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, डिवोर्ड ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका हैबिटेट है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिच फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स किसमें रहते हैं, उस एरिया में जिसमें ऑक्सीजन ना हो। इसी तरह से मलेरिया पैरासाइट, वो किसमें रहता है, वो रेड ब्लड सेल में भी रह सकता है मैन की, और वो स्टोमक ऑफ फीमेल, इन फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो है उसमें रह सकता है, ठीक है। यानी उसके दो हैबिटेट्स हैं, वो दो जगहों में रह सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आती है, माइक्रो हैबिटेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रो हैबिटेट, हैबिटेट, व्हाट इज माइक्रो हैबिटेट। सो माइक्रो हैबिटेट इज पार्ट ऑफ हैबिटेट, इट इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट, विच हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन ड्यू टू चेंजेस इन वन और फ्यू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है, वो एक पार्ट होता है हैबिटेट का, डेट इज द पार्ट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर छोटा सा हैबिटेट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आ चुकी होती है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम पॉन्ड लेंगे, पॉन्ड में क्या है, वाटर है, और वाटर के साथ साथ क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स है। मगर हम इस पॉन्ड की सरफेस को अगर कहेंगे तो सरफेस ऑफ दिस पॉन्ड, मतलब हम पूरा एक पॉन्ड लेंगे, उसमें वाटर है, वाटर के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, और इसके साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स हैं इसमें, ठीक है। अब ये एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मगर हम अगर इस पॉन्ड के माइक्रो हैबिटेट को समझने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे सरफेस ऑफ पॉन्ड, सरफेस ऑफ पॉन्ड, तो वो टोटल डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ होगा सरफेस ऑफ पॉन्ड। हम इस पॉन्ड में कोई और चीज देखने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे एज ऑफ पॉन्ड, यानी जो एज होगा डेट इज विल बी हैविंग डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एज ऑफ पॉन्ड, या हम कहेंगे इस पॉन्ड का सेंटर, डेट इज सेंटर ऑफ पॉन्ड, डेट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो हैबिटेट, यानी हैबिटेट के अंदर छोटा सा एक हैबिटेट, ठीक है। यस सर। ओके नाउ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हम कहते हैं निश। या इकोलॉजिकल निश, व्हाट इज निश और इकोलॉजिकल निश। अब ये डेफिनेशन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो निश का लिटरल मीनिंग अगर हम निश का देखेंगे, इट मीन्स स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस। हम निश की लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे, स्पेसिफिक प्लेस, मगर इकोलॉजी में ये डेफिनेशन उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि इकोलॉजिस्ट ने हैबिटेट को कहा है एक स्पेशल प्लेस, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक स्पेशल प्लेस को नाम दे दिया हैबिटेट, बट निश क्या है, निश को इकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये रोल है, इट इज द रोल ऑफ स्पीसीज, रोल ऑफ स्पीसीज,
स्पीसीज कर क्या रही है, ठीक है। हैबिटेट डिफरेंट भी हो सकता है बट रोल सेम हो सकता है, निश सेम हो सकता है। हैबिटेट सेम भी हो सकता है बट निश डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस में एक स्कूल लेंगे हम, उस स्कूल में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और उस स्कूल का हेड भी है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे रह रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक प्लेस को क्या कहेंगे हम, उस स्पेसिफिक प्लेस को क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे हैबिटेट, है ना। अब हम ये देखेंगे कि टीचर का रोल डिफरेंट है, ठीक है, टीचर का रोल डिफरेंट है और स्टूडेंट्स का भी रोल डिफरेंट है, स्टूडेंट्स का भी रोल डिफरेंट है और हेड का भी रोल डिफरेंट है। तो इसको जो इनका रोल है या इनका प्रोफेशन जो है, इनका जो प्रोफेशन है उसको कहते हैं निश। समझ में आया। तो हम कहेंगे रोल ऑफ स्पीसीज आर पॉपुलेशन प्लेड दैट इज प्लेड इन इट्स इकोसिस्टम। ये इसका इकोसिस्टम है या हैबिटेट है। रोल ऑफ स्पीसीज आर पॉपुलेशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इट इंक्लूड सेवरल फैक्टर्स, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि इस निश में क्या होगा, टाइप ऑफ फूड क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, इट्स अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रीडेटर्स क्या है, प्रीडेटर्स क्या है, ठीक है। रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है, ये डिफाइन करते हैं रोल, रेंज ऑफ मूवमेंट, शेल्टर, ठीक है, और टाइम ऑफ द डे, ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग एक हैबिटेट में किसी ऑर्गेनिज्म का नेस्ट बिल्डिंग का रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इसके फैक्टर्स है। अब देखो जो निश है, इट निश मीन्स टोटल इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज विथ इट्स विथ एनवायरमेंट, यानी इकोलॉजिकल निश का मतलब है कि अब देखो, अब हम पहले कहते थे इंटरेक्शन इंटरेक्शन इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन को ये समझाता है कि किसी का कोई फूड अवेलेबिलिटी, कोई किसी और फूड पे डिपेंडेंट होगा, कोई किसी किसी का कोई प्रीडेटर होगा, किसी का कोई प्रीडेटर नहीं होगा, किसी का रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगा, किसी का रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इंटरेक्शन हो रही है एनवायरमेंट के साथ। तो इकोलॉजिकल निश को हम कहते हैं कि जो ये इकोलॉजिकल निश है, इट मीन्स टोटल इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज विद एनवायरमेंट। देखो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इकोलॉजिकल निश, सिमिलर निशेज किन के पास होते हैं, सिमिलर निशेज इन डिफरेंट हैबिटेट, यानी सिमिलर प्रोफेशन, सिमिलर रोल, उसका मतलब है सिमिलर निश, सिमिलर निश, इसका मतलब है सिमिलर रोल और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये किस ऑर्गेनिज्म का है, मगर हैबिटेट डिफरेंट है, हैबिटेट इज डिफरेंट। इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म्स है जिनका सिमिलर निश है, उसकी एग्जांपल है ऑउल, कैट, ठीक है। दोनों ये किस पे फीड करते हैं, ऑउल और कैट, दे फीड ऑन दे सेम फूड अवेलेबिलिटी है इनकी, रैट्स। अब ऑउल का हैबिटेट डिफरेंट है, कैट का हैबिटेट डिफरेंट है, बट प्रोफेशनली ऑन द बेसिस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी ये रैट्स को खाते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो इट इज द मीनिंग ऑफ द सिमिलर निश इन डिफरेंट हैबिटेट।
ठीक है। नाउ हम देखेंगे अब सिमिलर हैबिटेट किन का है, दे आर हैविंग ए सिमिलर हैबिटेट बट दे आर हैविंग डिफरेंट निश, बट डिफरेंट निश, डिफरेंट निश। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है वाटर बग्स की, जिसको कहते हैं बेलोस्टोमा या जेंट वाटर बग, जेंट वाटर बग, कोरेक्सा वाटर बोटमैन, ठीक है। दे लिव्स इन शैलो वाटर एट द एजेस ऑफ पॉन्ड, ठीक है। वो कहां पे रहते हैं, दे लिव्स इन, हम क्या बात कर रहे हैं, सिमिलर हैबिटेट की। अब रहते तो एक ही जगह पे हैं, दे लिव इन शैलो वाटर एट द एज ऑफ पॉन्ड, ओके, एट द एज ऑफ पॉन्ड, बोथ हैव द सेम हैबिटेट, ठीक है, दोनों के पास सेम हैबिटेट है, बट प्रोफेशन डिफरेंट है, निश डिफरेंट है, रोल डिफरेंट है। एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं दोनों। जो वाटर बोटमैन है, दिस वाटर बोटमैन, दिस वाटर बोटमैन एंड दिस जेंट वाटर बग, दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, इनकी लिविंग प्लेस सेम है बट रोल डिफरेंट है। जो जेंट वाटर बग है, दैट इज द जेंट वाटर बग, दिस जेंट वाटर बग इज प्रीडेटर। अब समझ में आया, इट इज प्रीडेटर एंड दिस वाटर बोटमैन, दिस वाटर बोटमैन इज, इट इज स्कैवेंजर। निश समझ में आ गया, अब इट इज स्कैवेंजर, ओके। ये वाटर वाला, मैं ये कह रहा हूं कि दो इंसेक्ट्स हैं, दो इंसेक्ट्स हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, उनकी स्पेसिफिक प्लेस एक ही है। क्या है उनकी स्पेसिफिक प्लेस, लिविंग प्लेस क्या है, शैलो वाटर एट द एजेस ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड के एजेस पे रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका हैबिटेट है, ये क्या है इनका हैबिटेट, एक ही जगह पे रह रहे हैं दोनों। मगर इनका निश, निश का मतलब क्या है, रोल क्या है इनका, इस हैबिटेट में इनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर का प्रोफेशन अलग है, स्टूडेंट का प्रोफेशन अलग है, बट रहते तो एक ही क्लासरूम में है जब पढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाटर बग है वो प्रीडेटर का काम करता है, और जो वाटर बोटमैन है वो स्कैवेंजर का काम करता है। समझ में आ गया, समझ गए, समझ गए, ओके। इसी तरह हम दो बर्ड्स की बात करेंगे, दो बर्ड्स हैं, टू बर्ड्स, दोनों बर्ड्स की बात करेंगे। एक का नाम है पॉलिसियस मेलेनोसेफेलस, पॉलिसियस मेलेनोसेफेलस, और एक का नाम है पॉलिसियस कोलेरिस। दो बर्ड्स है, पॉलिसियो मेलेनोसेफेलस एंड पॉलिसियो कोलेरिस, ओके। अब दे बोथ ऑफ देम लिव इन सेम नेस्ट, एक ही नेस्ट में रहते हैं ये दोनों, ठीक है, बट इनका इकोलॉजिकल निश डिफरेंट है, एक ही नेस्ट में रहते हैं, दे लिव इन सेम नेस्ट, ठीक है। मगर अब इनका इकोलॉजिकल निश डिफरेंट है,
वो क्या है इनका इकोलॉजिकल नीश, इनका इकोलॉजिकल नीश डिफरेंट है, बट हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश बिकॉज एक बर्ड फीड करता है, वन बर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, अनदर बर्ड फीड्स ऑन सीड्स। समझ में आया? ठीक है। ओके तो यस सर। ओके तो ये अब एक और एग्जांपल है डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश। अब आप बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश। अभी तक आपने क्या समझा, हैबिटेट क्या होता है और इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? अभी इन एग्जाम्पल से भी आपने क्या समझा कि हैबिटेट क्या है और इकोलॉजिकल नीश क्या है? ठीक है तो सर हाँ एक, बताओ तो वो एक का हो गया तो रह रहा है, कहाँ रह रहा है, हैबिटेट तो अगर वो हम एरिया कहेंगे होगा कहाँ रह जिसमें वो रहा रह है। रहा है साथ। हाँ अगर हम कहेंगे कहाँ रह रहा है, मैं कहूंगा आप कहाँ रह रहे हो, तो आप उसको क्या कहोगे इंग्लिश में, एड्रेस है हैबिटेट ना? यस सर एड्रेस मैं पूछूंगा आपका एड्रेस क्या यस है, और सर मैं पूछूंगा आप कर क्या रहे हो, आप कहोगे मैं सर स्टूडेंट हूँ। ठीक है, वो क्या बन गया आपका प्रोफेशन। ठीक है, वो आपका क्या बन गया प्रोफेशन प्रोफेशन। ठीक है, तो इसी तरह से ओडम ने डिफाइन किया, इसने इसने क्या कहा, इसने कहा हैबिटेट जो है, हैबिटेट इज ऑर्गेनिजम्स एड्रेस, ऑर्गेनिजम्स एड्रेस, ऑर्गेनिज्म बताएगा मैं कहाँ रह रहा हूं। समझ में आ रहा है? इट इज ऑर्गेनिजम्स एड्रेस, और इकोलॉजिकल नीश इज, इकोलॉजिकल नीश इज, इट इज प्रोफेशन। ओके समझ में आ गया? यस सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ यस तक? सर नाउ अब इसके नहीं बाद हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। देखो एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं गॉस प्रिंसिपल। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी आता है, गॉस प्रिंसिपल से, गॉसेस प्रिंसिपल। गॉसेस प्रिंसिपल, गॉस ने जो प्रिंसिपल दिया उसका उसका उसने कौन सा प्रिंसिपल दिया, उसने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसने कहा, देखो इसने कहा, देखो इस बात को मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर दो लोगों का प्रोफेशन सेम है उनके बीच में कंपटीशन होगा, कि दो लोगों का अगर हैबिटेट सेम है, बताओ दो लोगों का प्रोफेशन सेम है उनके बीच में ज्यादा कंपटीशन होगा कि दो लोगों का हैबिटेट अगर सेम है? प्रोफेशन हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ही कमरे में रह सकते हैं, मगर एक केमिस्ट्री पढ़ रहा है दूसरा बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन है ही नहीं, है ना? समझ में आ रही है बात, है ना? Yes. हाँ, तो इसने क्या कहा, इस प्रिंसिपल ने ये समझाया कि इफ टू स्पीसीज
live in the same niche. Niche in a community. A direct competition between the two will eliminate one of them क्योंकि same. अब आप इस निश को अगर food resource रखेंगे, है ना, कि ये इसी food resource पे, जैसे कोई insect खा रहा है, दूसरा organism भी उसी habitat में रह के insect खा रहा है, या अलग habitat में भी रह सके, एक ही profession रखा हुआ है, एक ही organism को खा रहे हैं, तो वो competitively एक दूसरे को exclude करेंगे, ठीक है, eliminate करेंगे. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ? अगर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और सो वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज, वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज, और उसकी वजह से दिस विल लीड ईदर एक्सटिंक्शन ऑफ वीकर कंपिटेटर और टू एन एवोल्यूशनरी बिहेवियरल शिफ्ट टुवर्ड्स डिफरेंट इकोलॉजिकल निश. ये पॉइंट आप समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि ये दो ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन निश सेम है, आप प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, हम इकोलॉजिकली टर्म की बात करेंगे, निश सेम है, वो उन्होंने दूसरे को इलिमिनेट किया है. अब इलिमिनेट कौन होगा, एक्सटिंक्शन किसका होगा, एक्सटिंक्शन होगा किसका, एक्सटिंक्शन ऑफ वीकर, वीक जो होगा उसका एक्सटिंक्शन होगा, वीकर कंपिटेटर टेटर, अब इसका एक्सटिंक्शन होगा. या दूसरी बात, अगर एक्सटिंक्शन नहीं किया तो ये फोर्स करेगा कि एन एवोल्यूशनरी और बिहेवियरल शिफ्ट हो जाए, एन एवोल्यूशनरी और बिहेवियरल शिफ्ट हो जाए, जो वीक है उसका इवोल्यूशनरी और बिहेवियरल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ए डिफरेंट इकोलॉजिकल निश. जिकल निश, समझ में आ रही है बात? Yes. ठीक है. अब इसका मतलब है कि कंप्लीट कंपिटेटर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, इसका मतलब है कंप्लीट कंपिटेटर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जिनका एक ही निश होगा तो वो कंप्लीट करेंगे कंपिटेटर टेट. इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं ना, इस टाइम इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करके या लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंप्लीट कंपिटेटर को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. यस सर. अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है दो प्लांट्स है, पैरामीशियम ऑरिलिया, वो और पैरामीशियम कॉर्डेटा, दो ऑर्गेनिजम्स है पैरामीशियम कॉर्डेटम, दोनों का प्रोफेशन सेम है, बट पैरामीशियम ऑरिला इलिमिनेट करता है, इट इलिमिनेट्स इलिमिनेट्स पैरामीशियम कॉर्डेटा, ठीक है. यस सर. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर. हाँ, तो अगर ये दो कंप्लीट कंपिटेटर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, सुपीरियर
कंपिटेटर इलिमिनेट करेगा इंफीरियर कंपिटेटर्स को दैट ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल निश, दैट ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल निश, ठीक है। तो yes, sir. अगर हम दोनों को अलग अलग ग्रो करवाएंगे, अलग अलग ग्रो करवाएंगे, तो ये सिग्मोइड करो दिखाएगा, ये भी सिग्मोइड करो दिखाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को अलग अलग ग्रो करवाएंगे, एक पी अरुलिया है एंड अनदर इज पी ठीक है। अब जब दोनों को एक साथ ग्रो कराएंगे, व्हेन बोथ ग्रोन इन मिक्सचर, अब दोनों को जब ग्रो करवाएंगे तो एक दूसरे को इलिमिनेट करेगा, तो ग्रोथ किसकी होगी, पी ऑरिला की, और इलिमिनेट कौन होगा, पी कॉर्डेटम। ये ग्राफ एग्जाम में आता है, वहां कहा जाता है ऊपर वाला जो ग्राफ है किसको दिखाता है और नीचे वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ओके यस सर। नाउ अब एक और टर्म है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। सो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट इज द ऑर्गेनिज्म विच ऑक्यूपाई सेम निश बट लिव्स इन डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म सेम निश में रहते हैं बट डिफरेंट हैबिटेट है उनका, वो कंपिटेटर्स नहीं होंगे, ओके। स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई एट द सेम निश बट मेनली एट सिमिलर ट्रॉपिक पोजिशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, सिमिलर ट्रॉपिक पोजिशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। इस डेफिनेशन को आप या समझ लेना, दोज स्पीसीज ऑक्यूपाइड एट सिमिलर निश mainly at similar tropic position ठीक है, in different geographical area, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस तरह की, सेम निश है ठीक है, बट प्रोफेशन सेम है बट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, लाइक लार्ज कंगारो, लार्ज एग्जाम्पल इसकी लार्ज कंगारो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड में रहता है वो, समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ एक पोंगहॉर्न है ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड में रह रहा है, ठीक है। पोंगहॉर्न इज अ डियर लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसको एंटीलोक कार्पा कहते हैं, दैट लिव्स इन अमेरिकन ग्रासलैंड, अब देखो खाते क्या होंगे, दोनों ग्रास खाते होंगे,
ठीक है, बट सेम निश है, प्रोफेशन सेम है, डिफरेंट अलग. इसको कहते हैं इकोलॉजिकल इक्वेलेंट, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल इक्वेलेंट. इट वॉज जैसे सिमिलर टाइप ऑफ एडॉप्टेशन बट बिलोंग्स टू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स. सिमिलर एडॉप्टेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलर सर, एडॉप्टेशन ये होंगे. जैसे अगर इनका सेम दो ऑर्गेनिज्म का अगर सेम फंक्शन है, तो ये जरूरी है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीशीज को वही तो मैं बिलोंग कह रहा हूँ, ये करे? तो डिफरेंट स्पीसीज है. कंगारू इज डिफरेंट स्पीसीज एंड दिस इज द पोंग हॉर्न, इट इज डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, कैट और ओवल अलग अलग स्पीसीज है, मगर प्रोफेशन सेम है ना. खाते किसको है? रैट को खाते हैं, है ना. को समझ में आ रहा है? हाँ? अब यहाँ तो एक ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड में रह रहा है और दूसरा अमेरिकन ग्रासलैंड में रह रहा है. दो अलग अलग स्पीसीज है, एक कंगारो एक पोंगहॉर्न है. ठीक है, आप गूगल में पोंगहॉर्न की वो पिक्चर देख लेना, आपको समझ में आएगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है. डियर लाइक ऑर्गेनिज्म है ये. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल इक्वेलेंस में इकोलॉजिकल इक्वेलेंट पॉजेस सिमिलर टाइप ऑफ एडॉप्टेशन. ये जो इकोलॉजिकल इक्वेलेंट्स हैं, दे पॉजेस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेन दे पॉजेस सिमिलर टाइप ऑफ एडॉप्टेशन, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, है ना. अब हमने टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की बात की, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स. ओके, समझ में आ गया. ठीक है, एक और एग्जाम्पल, कैक्टी एंड यूफोरबियास.